नमस्कार, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका स्वागत है। नया बचत खाता, चालू खाता, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, POS मशीन के लिए एक दबाएं। नए लोन या टॉपअप लोन के लिए आवेदन करने के लिए दो दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपका कॉल हमारे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को सौंप रहे हैं। नमस्कार, बैंक से मैं सचिन, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर, मुझे ये जानना है कि इस पे अकाउंट ओपन करने से मुझे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगा। ओके, शुभ नाम सर आपका? मेरा शुभ नाम संजय कुमार महतो है सर। ओके संजय, किस प्रकार के बेनिफिट्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा क्या कुछ हमें बेनिफिट्स देता है एक नॉर्मल अकाउंट के लिए जो नॉर्मल बंदा यूज करता है। फर्स्ट टाइम अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो जीरो बैलेंस पे डिजिटल अकाउंट वीडियो KYC के माध्यम से ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपका वीडियो कॉल भी फुल KYC आपका हो जाता है। अच्छा, तो वहाँ से अकाउंट आपका पूरा वेरीफाई होके अकाउंट ओपन होता है और 7 वर्किंग डेज में डेबिट कार्ड और चेकबुक जो आपका वेलकम किट रहता है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर होता है बाय पोस्ट बाय कोरियर। और इसमें रहेगा कि आप जो अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग पे अकाउंट बैंक जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 7%, उसका बेनिफिट आपको मिलता है मंथली बेसिस पे। मंथ एंड में जो भी आपका रहता है इंटरेस्ट वो अकाउंट में क्रेडिट होता है। कितना बताया सर आपने? उसका हाईएस्ट 7% है। वो कैसे मिलता है वो भी बता देता हूँ आपको। जी बता दीजिए सर। क्राइटेरिया है इसका, ₹1 से लेके ₹1,00,000 तक का जो भी अमाउंट रखेंगे खाते में उससे मिलेगा आपको 3.5% का इंटरेस्ट। अच्छा अच्छा, पर मंथ? ₹1,00,000 के ऊपर जो अमाउंट जाएगा आपका ₹10,00,000 तक उससे मिलेगा 5%, 10,00,000 के ऊपर जो अमाउंट जाएगा ₹25,00,000 तक उससे मिलेगा 6%, और 25,00,000 के ऊपर जो अमाउंट जाता है उससे मिलेगा आपको 7%। तो क्राइटेरिया है इंटरेस्ट रेट का और बैंक आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करवाती है इंटरेस्ट आपका अकाउंट में। जिसमें अगर इनकेस अगर कुछ फीचर्स होते हैं कि आपको मतलब कि कुछ अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो बैंक ने आपको जो कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर दिया है 24/7 है, कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो भी कंफर्मेशन रहेगा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो प्रोसेस ब्रांच की तरफ से रहता है तो हम आपको वहाँ के लिए गाइड कर देते हैं कि आपको ये ब्रांच की तरफ से करवाना रहेगा, वो हम डिटेल्स चेक करेंगे तब आपको बताते हैं। इसके अलावा जो KYC जो टीम है हमारे यहाँ से आपका वीडियो वेरीफाई होता है पूरा अकाउंट ओपन होने के लिए, तो वहाँ से भी ऐसा है कि मतलब कि वहाँ से भी कॉल कनेक्ट करके आप अपने कुछ सॉल्यूशंस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से भी आपको कंफर्मेशन मिल जाता है इसके इस चीज के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सर अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है? अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। दोनों पे डिटेल्स आपकी सेम होनी चाहिए, फुल नेम होने चाहिए दोनों पे, लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर्ड है वो अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए OTP जाता है, आधार कार्ड डिटेल्स आप लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रोसीजर से वेरीफाई होकर OTP जाएगा उस नंबर पे जो नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रोसेस आप AU010 का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें अप्लाई नाउ पे जाके आप सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिटेल्स आपकी रहती है, और अगर अभी आप करेंगे तो वीडियो कॉल अभी नहीं हो पाएगी, उनका टाइमिंग है मॉर्निंग 8 बजे से इवनिंग 8 बजे तक का, उसमें वीजा और रुपए मिलता है। अच्छा अच्छा, तो आपका जो अकाउंट ओपन होगा डिजिटल अकाउंट जो जीरो बैलेंस से बताया मैंने आपको, ऑनलाइन कर सकते हैं आप, इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है क्योंकि जीरो बैलेंस खाता है। अगर मुझे वीजा का चाहिए तो इसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? वीजा के लिए फिर आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करवाना होगा, जिसमें हमेशा आपको 5,000 से अपना अकाउंट मेंटेन रखना होता है। अच्छा 5,000, अगर उससे कम का अमाउंट किसी दिन जानकारी के लिए तो कम रह गया तो फिर क्या होता है? मान लीजिए मॉर्निंग में आपने 5,000 रुपए में से आपने 2-3,000 निकाल लिए, अगर सेम डे पे आपने इवनिंग तक जमा कर दिया तब तो मेंटेन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आपने एक दिन डिलीट कर दिया, 2 दिन डिले कर दिया तो उस अकॉर्डिंग फिर आपका चार्ज लगता है उसमें। अच्छा अच्छा, जीरो बैलेंस में जो कटौती होगी उसके लिए मैं पहले से बताना चाहूंगा, एक तो आपका डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज लगता है साल में एक बार जो बैंक लेती है वो आपका रहेगा 150 प्लस GST लगता है, 177 रुपीज लगता है टोटल। अच्छा अच्छा, और एक लगता है SMS अलर्ट्स के चार्जेस जो एप्लीकेबल चार्जेस है। अच्छा अच्छा, जब SMS आपको क्रेडिट डेबिट का मिलता है वो लगता है 15 रुपए प्लस GST, 30 रुपए तो 30 पैसे पर SMS का चार्ज है, मैक्सिमम 15 रुपए कट होता है, 15 रुपए प्लस GST टोटल 18 रुपए। तो ये सालाना कटता है या फिर मंथ में कटता है?
ये क्वार्टरली कटता है, 3 महीने में एक बार। 3 महीने में, अच्छा अच्छा। और इसके अलावा डेबिट कार्ड के क्या कुछ बेनिफिट मिलेंगे हमको, जैसे कि आप रुपए का डेबिट कार्ड करते हैं? देखिए, इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड में इंडिया में आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट जो है ई बैंक की, आप कर सकते हैं उसमें ई बैंक का डेबिट कार्ड जहाँ भी आप यूज करते हैं उससे आपको कैशबैक या फिर डिस्काउंट भी मिलता है आपको। ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं, अच्छा, तो ऑफर आता है कि आप यहाँ यूज करेंगे तो इतना डिस्काउंट है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी गई है। अच्छा, वेबसाइट पे एक बार जाइएगा आप, www.ebank.in करके वेबसाइट है, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जाके आप देखेंगे इसके बारे में, ऑफर्स का ऑप्शन आता है, और ऑफर्स के ऑप्शन में जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑफर्स दिए गए हैं बैंक के द्वारा, जिसमें आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स यूजफुल हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आप उसको मतलब कि मंथ में या डे के अकॉर्डिंग आप यूज करते हो उसे, तो अगर इसमें आप यूज करें तो हो सकता है आपके डेबिट कार्ड पे आपको कैशबैक या डिस्काउंट मिल जाए अगर आपको पर्टिकुलर यूज करते हैं उस चीज को। अच्छा अच्छा सर, विड्रॉल से रिलेटेड इसकी लिमिट के बारे में जानना चाहेंगे? विड्रॉल का लिमिट आपका इसमें आएगा 2 लाख रुपए पर डे का एटीएम विड्रॉल से। अच्छा, ऑनलाइन जो पोस्ट ट्रांजेक्शन आप करते हैं कार्ड स्वाइपिंग का, 2 लाख उसका लिमिट आता है। अगर हम विड्रॉल करते हैं एक दिन में 2-3 बार यूज करते हैं तो उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह लगता है? कोई लिमिट है क्या सर? बैंक की मशीन से अगर आप यूज करेंगे, अच्छा अच्छा, तो आपका कोई लिमिट नहीं है? अच्छा, लिमिट कोई चार्ज नहीं है। अगर आप अदर बैंक एटीएम मतलब यू बैंक का एटीएम कार्ड है, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक, ठीक है, यूबी, ऐसे मतलब कि अदर बैंक का जो एटीएम मशीन है, ठीक है ठीक है, उसमें अपना कार्ड लगाते हैं तो मंथली 5 ट्रांजेक्शन दिया जाता है आपको फ्री। अच्छा, 5 ट्रांजेक्शन, कोई चार्ज नहीं लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी इसमें फैसिलिटी 5 ट्रांजेक्शन आपका जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर करेंगे तो 20 रुपए जीएसटी, 24 रुपीज पर ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगता है। उसकी जरूरत आती है अगर आपको बहुत कम, आज के डेट में ऑनलाइन जो चल रहा है कि हर जगह ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, बहुत कम केसेस होते हैं कि आपको कैश की जरूरत है, तो उस केस में आप निकाल सकते हैं एटीएम से पैसा, जिससे आपका 5 ट्रांजेक्शन इजीली हो जाएगा, कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज करेंगे उसका कोई चार्ज नहीं है। 10 लाख रुपए पर डे की लिमिट मिलेगी आपको ट्रांसफर करने की नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से। अच्छा अच्छा, आपको चालू कर सकते हैं डेबिट कार्ड आने के बाद। इसके ऐप से क्या कुछ हमको बेनिफिट मिलने वाला है? एप्लीकेशन में सुविधा जो बैंक ने दी है आपको, सबसे पहले अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अकाउंट का स्टेटमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, FDRD क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल पासबुक ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर हम जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट ओपन किए तो क्या उसमें फिजिकल पासबुक मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो सर देखिए, एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स आ जाती है इसमें। नहीं, मैं फिजिकल पासबुक की बात कर रहा हूँ सर। फिजिकल पासबुक इस अकाउंट में नहीं मिलता है, जब भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं 24 घंटा समय लगता है वेरीफाई होने के लिए। अच्छा, और कुछ बेनिफिट अगर हो तो बता सकते हैं सर आप? बेनिफिट से देखिए ऑफर्स के अकॉर्डिंग ही होता है, बाकी सब कुछ बाकी सारे अकाउंट में सेम है। बाकी अगर आप बड़ा अकाउंट ओपन करना चाहें जो बैंक का रॉयल अकाउंट है, अच्छा अच्छा, रॉयल अकाउंट, उसमें आपको मंथली 1 लाख रुपए से मेंटेन रखना होता है अपना खाता। अच्छा, फैमिली के 6 मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं उसमें। अच्छा, डेबिट कार्ड का एनुअल सालाना चार्ज इसमें नहीं लगता है। आपको निवेदन रहेगा कि एक बार आप हमारी ई बैंक की वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, वहाँ से आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, हमारी दी गई जानकारी संतुष्ट है जी। बिल्कुल, अभी कॉल आएगा तो कनेक्ट होगा, वहाँ से आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं, 1 नंबर प्रेस करके फीडबैक दे सकते हैं हमें। ओके सर, थैंक यू, कॉल करने के लिए धन्यवाद, शुभरात्रि। ये AU बैंक ग्राहक, आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ अपनी बातचीत को आप कितना रेट देंगे उत्कृष्टता के लिए 1 दबाएं, अगर अच्छा लगा तो 2 दबाएं, संतुष्टि के लिए आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया, तेरे रिस्पांस के लिए धन्यवाद।